हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका निवासी टेरेस गार्डन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये पिटूनिया के सीड पॉट कैसे बनते हैं। और ये देखिए, इस तरह से ये फूल सूख जाने के बाद इसमें ब्लैक ब्लैक से छोटे छोटे सीड्स बन जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर गर्मियों में आप पौधे खरीदना नहीं चाहते हो और गर्मी भर अपने गार्डन में फूल पाना चाहते हो, तो आप ऐसे दो पौधे लगाइए जो महंगे भी नहीं हैं, आपको फ्री में मिल जाएंगे और पूरे गर्मी भर आपके गार्डन में फूल खिलते रहेंगे। ऐसे पौधे मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ जो फ्री में ही आप कहीं से भी ला सकते हो, कटिंग से भी उन्हें बना सकते हो या बीज से भी ग्रो कर सकते हो। तो ये देखिए, मेरा गुड़हल का पौधा पीले पीले पत्ते हो गए, इन्हें मैग्नीशियम की ज़रूरत है। और इधर मेरे गुड़हल, देसी गुड़हल भी खिल रहे हैं, देख सकते हो कितने अच्छे से। और ये मेरा मीठे नीम का पौधा बहुत अच्छे से घना बन रहा है, बुशी देख सकते हो आप। बहुत ही कम समय में इसने ग्रोथ स्टार्ट की है, मैंने हार्ड प्रोनिंग कर दी थी। और इसके जो बीज बनते हैं फूल वगैरह, उनको हटाते रहिए आप, ताकि ये और अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो मैं दिखाती हूँ आपको, जो फूल छोटे छोटे इस तरह से ये बनते हैं, तो इनको हटाते रहिए ताकि हमारा पौधा और अच्छे से घना हो सके। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड ऐसे दो पौधे की। तो आप देख सकते हो, पहला पौधा है ये जाफरी गेंदा। और अभी हम तो अपने घर में पूजा के लिए फूल खरीदते ही है, तो उससे बेहतर है कि ये हम जाफरी गेंदा अपने घर में लगा ले। ये पूरे गर्मी भर फूल देता है और ये कटिंग से तो लगता ही है, पर इसके फूल सूख जाने के बाद अगर आप मिट्टी में उसने डाल दोगे तो पौधे भी तैयार हो जाते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये बीज से पौधा तैयार हो जाता है। आप देख सकते हो मेरे और कटिंग से तैयार हुए पौधे हैं, और बीज भी डाले थे मैंने, वो भी निकल के आ चुके हैं, छोटे छोटे पौधे बन चुके हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है, हमें अभी गर्मियों में महंगे पौधे खरीदने से अच्छा होता है, ये हमारे गार्डन में फूलों से शोभा बढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करते हैं, तो इनकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इस तरह से जब फूल सूख जाए तो उनको ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं उनके पत्ती, मतलब फूल के वो डांडिया, तो वो उनको डालना होता है मिट्टी में। और दूसरा है ये गलाडिया, देख सकते हो आप, जब भी आप ये फूल सूख जाते हैं तो उनको आप मिट्टी में डाल लिया कीजिए। और पता है कि ये फूल अभी ये नया कलर निकल के आया है, ये भी बीज से ही तैयार हो चुका है। तो अगर आप उसमें न्यू न्यू ये सूख जाएगा, अगर मैं इसको मिट्टी में डाल दूंगी तो और नया कलर निकल के आएगा। तो गलाडिया की यही खासियत होती है फ्रेंड। ये देखिए, ये भी मेरा बीज से ही बना हुआ पौधा है, तो न्यू न्यू कलर वैरायटी आती है फूल में जब आप न्यू न्यू बीज डालते हो फूल सूख जाने के बाद। जैसे कि ये फूल सूख गया है और पूरी तरह से नहीं सूखा है, तो इसे मैं किसी भी पॉलीबैग में वगैरह रख दूँगी, फिर ये पूरी तरह से सूख जाएगा, फिर इस पर मैं मिट्टी डालूँगी तो ये पौधा तैयार हो जाएगा और फिर इसमें नया कलर निकलेगा फूल का। आप देख सकते हो, ये कुंदा का पौधा है, कटिंग से तैयार हुआ। इसमें मैंने डाल लिए थे गेंदा के बीज और गलाडिया के। तो ये जो देख रहे हो आप, गेंदा के तो बहुत आसानी से पहचान में आते हैं, ये देख सकते हो आप बढ़ रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हैं वो गेंदा के हैं और बाकी के हैं गलाडिया के। तो इस तरह से आप भी लगाइए।